लाइफ से खत्म हो जाए, तो अगर हमें इसे भगाना है, इसको दूर करना है, तो उसका विकल्प देना पड़ेगा। तो हम मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग फिर से लाना चाहते हैं, और इसीलिए हमने आज आपकी ये बैठक बुलाई। इसके लिए हमने क्या किया, जगह जगह पे जो मिट्टी के बर्तन में काम करते हैं, दुकान खोले हुए हैं, मैं खुद उनके मोहल्ले में गया दीपावली के दिन, अपने SDM भेजे, आप लोगों को हमने दीपावली पे शुभकामनाएं दी और दिलवाई, मेरे सारे SDM थे, और आपको मिठाई दिया गया, फूलमाला से आपका स्वागत किया गया, जिससे आपका मनोरंजन बना। पहले कभी ऐसा हुआ है? तो हम आपका सम्मान बढ़ा रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं? तो आप लोगों को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बात यह है कि जब कोई अच्छा काम करो तो दिक्कत आती है। भगवान राम को आपके बगल में आकर के इतना दूरी से, हमारे पड़ोसी हैं, भगवान राम जी हमारे पड़ोसी हैं, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, अयोध्या हमारे गाँव के हमारे बगल में है, हम लोग अगर सुबह उठे और घंटा कर दें तो अयोध्या पहुँच जाते हैं। तो हमारे पड़ोसी थे, उनको अच्छा काम करने के लिए वहाँ से इतना पूरा करके आपके बगल में रहे, तो अच्छा काम में दिक्कत आती है और आएगी। तो जो हमारे इस पेशे में लोग लगे हैं, कई तरह की दिक्कत आएगी, तो हम लोग मिलकर हल करेंगे और अच्छा काम होगा। तो हमारे हमने सारे अपने यजीर साहबान से, तहसीलदार साहबान से कह दिया है कि मिट्टी के बर्तन के क्षेत्र में जो भी कुम्हार या कोई भी बिरादरी या कोई भी व्यापारी लगा हुआ है, उसकी समस्याएं सुनो, उसको दूर कर, उधर में ही हमारी बैठकों में क्या मिलेगा दुकान। देखिए हम लोगों ने इसको प्रचार करने के लिए झांसी से एक जो है, तो जैसे इनको रोजगार मिला, आप सबको रोजगार मिलेगा। जो आपका रोजगार मर गया है, मैं उसे जिंदा करना,